स्वागत है दोस्तों, आप सबका हमारे इस चैनल डर का अनुभव के इस कहानियों की दुनिया में। और आज मैं आप सबके लिए फिर से लेकर आया हूँ एक बेहद ही रोमांचक और हॉरर कॉमेडी स्टोरी। यह स्टोरी सुनकर आपको बहुत ही मजा आने वाला है और आप मेरा यकीन मानिए, आप इस कहानी को सुनेंगे तो आपकी भी हंसी रुकेगी नहीं। तो फिर चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित है और मैं ऐसे गांव का रहने वाला हूं जहां पे बड़े बड़े सुपरस्टार और हीरो रहा करते हैं। हाँ, सुपरस्टार और हीरो, और वो भी यहाँ इन छोटे से गांव में रहते हैं। मतलब कि हमारे गांव के सभी लड़के लगभग सस्ते सुपरस्टार हैं, क्योंकि वो यहाँ पर वीडियो बनाया करते हैं और वो भी बहुत ही अतरंगी स्टाइल में। वो यहाँ पर अतरंगी वीडियो बनाते हैं और वो उनका वीडियो वायरल भी हो जाता है, जिस वजह से वो अपने आप को एक सुपरस्टार ही समझते हैं। लेकिन मैं उन्हें सस्ता सुपरस्टार क्यों बोल रहा हूँ, ये आपको अभी पता चलने वाला है। हमारे गांव में कुछ लड़के हैं जो कि यहाँ पे ब्लॉगिंग वीडियो बनाया करते हैं। वो ब्लॉगर बनना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो अपने हाथ में हमेशा एक स्टिक को पकड़े हुए रहते हैं, उसमें अपना मोबाइल को फंसा कर यहाँ गाँव में फिरते रहते हैं। और उन्हें जो भी लोग मिल जाते हैं उनका वीडियो अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करना शुरू करके कहने लगते हैं, हेलो गाइज, ये हमारे गांव का सुपरमैन है जिन्हें आप वीडियो में देख पा रहे हो। ये सुपरमैन है, मैंने भी आपको सुपरमैन दिखाया, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वो ऐसा कहा करते हैं। और हमारे गांव में यहाँ पर बच्चे सुपरस्टार हैं। पर ये तो हो गई हमारे गाँव की लड़कों की बात, लेकिन अब मैं अपने गांव की लड़कियों के बारे में बताता हूँ। यहाँ पे कुछ लड़कियाँ हैं जो कि एक्टिंग करने में मैडम अनन्या पांडे जी को भी फेल कर दें, वो इतनी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग किया करते हैं। तो अब आपको भी पता चल ही गया होगा कि मैं क्यों कह रहा था कि मैं सुपरस्टार के गांव का रहने वाला हूँ। यहाँ पे ऐसे ही सभी लोग अतरंगी काम किया करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम दो लोग ही हैं जो कि निठल्ला हैं, जो कि कोई भी काम नहीं करते। एक मैं और एक मेरा दोस्त बंटी, हम दोनों के पास कोई काम ही नहीं है, इसलिए यहाँ के बच्चे आकर हमें एडवाइजरी दिया करते हैं। वो मुझे समझाया करते हैं कि तुम भी यहाँ पे वीडियो बनाया करो, तुम भी डांस वाले वीडियो बनाओ, इंस्टाग्राम पर डालो, फेसबुक पर डालो, तब तुम भी सुपरस्टार बन जाओगे और हमारे साथ इस गांव में रह सकते हो। वरना तुम हमारे ग्रुप में ऐसे लगते हो जैसे कि मोर के बीच में दो कौवे, वहाँ पर हमें ऐसा कह रहे थे। और मैं भी उनसे कहने लगा था कि भाई, मैं वीडियो तो बनाना चाहता हूँ पर हमें वीडियो बनाना ही नहीं आता। तो उन लोगों का कहना था कि वीडियो बनाने में कुछ नहीं है, बस तुम्हें हमारे जैसा एक स्टिक खरीदनी होगी और उसमें अपने मोबाइल को फंसा कर यहाँ पर गांव में घूमते रहना है, और जो भी तुम्हें लोग मिलेंगे उनसे तुम्हें कहना है हाय, हेलो, नमस्कार, कैसे हो, स्वस्थ मस्त, ऐसे ही करते रहना है। बस ऐसे वीडियो बनाओ और डाल दो यूट्यूब पर, तुम भी कभी ना कभी तो वायरल हो ही जाओगे। उसके बाद मैं भी उनसे कहने लगा था, अच्छा तो आपने ये स्टिक कहाँ से लाई और हमें ये स्टिक कितने में मिलेगी। तो उनका भी कहना था, बाजार में जाओ, ये 200-400 में मिल जाएंगे, उसके बाद तुम भी यहाँ पर वीडियो बनाओ। उसके अगले ही दिन मैं और बंटी दोनों वहाँ मार्केट में पहुंचे और वहाँ से एक स्टिक को खरीद कर यहाँ पर लेकर आए। उसके बाद हम भी यहाँ पर वीडियो बनाना चाहते थे, क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो यहाँ इस गांव में बच्चे को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता, क्योंकि वो भी यहाँ पर सस्ते सुपरस्टार थे और ये हमें इनके गांव में रहना था तो हमें वीडियो तो बनानी ही पड़ती। तो फिर ऐसे ही वहाँ शाम हुई और शाम के वक्त मैं और बंटी अस्टिक में मोबाइल को फंसा कर अपने गांव की चौराहे की तरफ निकल पड़ा, जहाँ पर कई सारे लोग आया करते थे शाम के वक्त। तो मैं भी वहाँ पर पहुँचा और एक लड़की जो कि वहाँ पर बैठी हुई थी, मैं उसके सामने गया और वीडियो की रिकॉर्डिंग स्टार्ट करके कहने लगा, देखिए ये हमारे गांव का चौराहा है जो कि बेहद ही सुंदर है। लेकिन अगले ही पल मेरे सर पर चप्पल पड़ी थी और वो जो लड़की वहां पर बैठी हुई थी वो मुझसे कहने लगी थी, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है, मैं यहां पर बैठी हुई और तुम यहां पर वीडियो बनाकर हमें दिखा रहे हो। लेकिन मैं भी समझ गया था कि माजरा क्या है, ये लड़की मुझे क्यों चप्पल से मारी है। मैं तो यहाँ पर वीडियो में चौराहे को दिखाना चाहता था, लेकिन ये गलत समझ ली और मुझे चप्पल से मार बैठी।
उसके बाद मैं भी वहाँ पर वीडियो नहीं बनाना चाहता था और मैं चप्पल का मार थोड़ी ना सह सकता था। तो फिर उसके बाद मैं और बंटी वहाँ से भागते हुए अपने घर के रास्ते पर जाने की ओर निकल पड़ा था। वहाँ पे हम लोग घर जा रहे थे और तभी बंटी कहने लगा था कि यार तू इसे वीडियो को बंद करके क्यों रखा है, हमने स्टिक यहाँ पे रखने के लिए खरीदी है, हमने तो वीडियो बनाने के लिए खरीदी है, यहाँ पे वीडियो बनाओ, ऐसे भी यहाँ पर कोई लड़की नहीं है जो कि चप्पल से मारेगी। पर मैं उससे कहने लगा था कि नहीं यार, यहाँ गांव में वीडियो मत बनाओ, नहीं तो अगर कोई मार दिया तो गांव में बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन बंटी कह रहा था अरे कुछ नहीं होगा। तो मैं भी उससे कहने लगा था ले तू खुद ही ले और खुद से वीडियो बना, मैं नहीं बनाने वाला। उसके बाद वो अपने हाथ में वो स्टिक पकड़ के कैमरा को इसे सामने करते हुए कहते हुए जा रहा था हेलो गाइज ये हमारा गांव है। लेकिन तभी वहां हमारे कैमरे में गांव की आंटी आ गई जो कि वहां पे पीछे से चलती हुई आ रही थी। वो हमें जानती थी इसलिए वो हमें चप्पल से तो नहीं मारी, लेकिन वो हमसे कहने लगी निकम्मों कुछ कर लो, कुछ काम धंधा करो, ऐसे करने से तुम कुछ नहीं कर सकते, ऐसे हाथ में पकड़कर हाय हेलो करते रहते हो दिन भर। वो ऐसा कह रही थी और मैं भी वहाँ पे भागने लगा था क्योंकि वो हमें गालियाँ बरसा रही थी। और मैं जल्दी जल्दी से पाँव चलाकर अपने घर पहुँचा और घर पहुँचकर मैं बंटी से कहने लगा यार ऐसे में तो कुछ नहीं हो सकता, ऐसे में तो हम वीडियो नहीं बना सकते, अगर हमें वीडियो बनानी है तो फिर कुछ अलग करना होगा, नहीं तो हमारे स्टिक के पैसे भी वेस्ट चले जाएंगे। तभी बंटी कहने लगा था यार तू इतनी जल्दी उदास मत हो, तुमने यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखी, उनका कहना होता है कि जब तुम कुछ अच्छा करोगे तो ऐसे तुम्हारे काम में चार लोग अड़चन बनेंगे, तुम भले ही चप्पल से मार खाओ, लोगों की गालियां सुनो, लेकिन वीडियो बनाते ही रहो, ऐसा ही तो मोटिवेशनल वीडियो में हमें बताते हैं, इसलिए हमें भी इतनी जल्दी उदास नहीं होना चाहिए। तो मैं भी वहां पर सोचने लगा था, मैं भी वहां पर कहने लगा था रुको मुझे कुछ सोचने दो, मैं कोई अच्छा आइडिया ढूंढना चाहता हूँ जिससे हमें कोई परेशानी भी ना हो और लोगों को भी वीडियो पसंद आए। उसके बाद कुछ देर सोचने के बाद मैं बंटी से कहने लगा था देखो बंटी, हम यहाँ पर भूत की वीडियो बनाते हैं, भूत का ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करते हैं और हम भूतों का वीडियो बनाएंगे, यहाँ पर हम दो लोग भी हैं, तुम भूतों का गेटअप में यहाँ पर कैमरे के सामने आना और मैं भी यहाँ कैमरे को देखकर डरने की एक्टिंग करूँगा और यही वीडियो हम यूट्यूब पर डालेंगे, लोग भी देखेंगे तो उन्हें भी बहुत मजा आएगा। लेकिन बंटी कहने लगा था हाँ हाँ तुम ऑडियंस को इतना बेवकूफ़ समझते हो, वो ऐसे पहचान जाएंगे कि ये फेक वीडियो है और हमें गालियाँ पड़ेगी, अगर हमें कुछ करना है तो फिर कुछ यूनिक करना होगा। बंटी मुझसे ऐसा कह रहा था और मैं भी बंटी से कहने लगा था कि मेरे पास एक आइडिया है जिससे ऑडियंस को पता नहीं चल पाएगा कि ये वीडियो फेक है या फिर असली है। हम वहाँ उस पहाड़ी पर बने उस घर में जाएंगे, उस भूतिया घर में। तब बंटी भी कहने लगा था वो भूतिया घर है, हम अगर गए तो हमारी जान ही चली जाएगी। लेकिन मैं कह रहा था यार तू भी इन सब चीजों पर यकीन करता है, भूत भूत कुछ नहीं होते, बस ये गांव वालों का अफवाह है, अगर हमें सुपरस्टार बनना है तो हमें इतना तो रिस्क लेना ही होगा, तुम फिल्मों में नहीं देखते क्या, वो तो ऐसे ही किसी घर में जाते हैं और नकली भूत बनकर लोगों को डराने का काम करते हैं। उसके बाद बंटी भी बहुत मुश्किलों के बाद मान चुका था और अगले ही दिन बंटी भी पूरी तरह से तैयार था अपने भूत वाले गेटअप में और वो भी वहाँ पे अब जाना चाहता था। शाम हुई और शाम के लगभग 6 बजे के करीब हमने अस्टिक और मोबाइल को लेकर वहाँ उस पहाड़ी के ऊपर जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में दोनों तरफ झाड़ियाँ थी और हमें डर भी थोड़ा थोड़ा लग रहा था, हालांकि वो चांदनी वाली रात थी इसी वजह से हमें साफ साफ सब दिखाई पड़ रहा था, इस वजह से हमें भी थोड़ा कम डर लग रहा था। हम उस पहाड़ी पर पहुंचे और पहाड़ी पर पहुंचकर वहां का व्यू देखने लगे, वहां का नज़ारा सच में बेहद ही मनमोहक था, वहां पहाड़ियों पर से चांद को देखना एक बेहद ही सुकून भरा पल का अनुभव करवा रहा था। लेकिन वहां पे बंटी कहने लगा हम यहां पर यही करने के लिए आए हैं, हम तो यहां पर वीडियो बनाने के लिए आए हैं, चलो उस घर में। उसके बाद हम दोनों उस घर में पहुंचे, वो घर 2 मंजिला था और मैं बंटी की ओर देखकर कहने लगा था कि हमें अब कैमरा यहीं से स्टार्ट कर देना चाहिए, यहीं से हम वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे, तभी तो ऑडियंस को यकीन होगा कि ये वीडियो सच है। उसके बाद मैंने भी वहाँ कैमरे को स्टार्ट करके उस पहाड़ी का भी थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग किया था। उसके बाद उस घर को दिखाते हुए कहने लगा था कि दोस्तों आज हम इस घर में जाएंगे, ये घर हॉन्टेड है, यहाँ पर लोगों का कहना है कि इस घर में भूतों का बसेरा है और हम
यहाँ पे इसी बात को प्रूव करेंगे, यहाँ पे सच में भूतों का बसेरा है या फिर सिर्फ अफवाह है। इतना बोलकर हमने कैमरे को बंद कर लिया और बंटी से कहने लगा कि तुम भूत के गेटअप में पूरी तरह से रेडी हो जाओ, उसके बाद तुम इस घर के दूसरी मंजिल पर रहना और मैं कैमरे को चालू करके यहाँ सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता हुआ जाऊंगा और उसके बाद तुम वहाँ पे भूत बनकर रहना और सामने कैमरे के सामने तुम आ जाना, मैं भी डरने का एक्टिंग करूंगा और फिर वीडियो हमारी बन जाएगी। वहाँ पे बंटी भी मान चुका था और वो भी पूरे उजले उजले कपड़े में, वहाँ पे सफेद कपड़े को पहनकर उस छत के ऊपर चढ़ गया था दूसरी मंजिल पर। और फिर कुछ देर के बाद मैं भी वहाँ पे कैमरे को चालू करके ये कहते हुए जाने लगा था कि चलिए दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस घर में सच में कोई भूत है भी या नहीं। मैंने मोबाइल में रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर ली थी और उस स्टिक को अपने हाथ में पकड़े हुए ग्राउंड फ्लोर के अंदर गया। वहाँ पे हमने देखा कि वहाँ पे उस घर में बिल्कुल अंधेरा था और हमें, मुझे भी वहाँ पर थोड़ा थोड़ा डर लग रहा था। मुझे लग रहा था कि कहीं यहाँ पे सच में भूत ना हो। उसके बाद मैं वहाँ कैमरे को सामने करते हुए सीढ़ियों पर ऊपर चढ़ने लगा। तभी मुझे सीढ़ियों पर कोई नजर आया। वहाँ पे कोई औरत थी जिसके बेहद ही बड़े बड़े बाल थे। पहले तो मुझे लगा कि यह बंटी है और मैं भी उसे बंटी समझकर कहने लगा था कि मैंने तो तुम्हें दूसरी मंजिल पर रहने के लिए कहा था ना, तुम सीढ़ियों पर क्यों खड़े हो। लेकिन जो भी बोल, तुम ये रेड साड़ी में, तुम ये लाल साड़ी में और औरत की गेटअप में एकदम से रापचिक लग रही हो, तुम्हें कोई भूत कहेगा ही नहीं। लेकिन तभी वहां से आवाज आना शुरू हुई थी। वो भारी सी आवाज थी जो किसी औरत की लग रही थी। वो कह रही थी, कौन रापचिक, तेरे घर में माँ बहन नहीं है, अभी तुम्हारे गाल पर एक झापड़ पड़ेगी ना, तुम्हें दिन में तारे नजर आ जाएंगे। लेकिन मैं भी उसे कहने लगा था, देख बंटी, ओवर एक्टिंग मत कर, और तू ये लाल साड़ी कहाँ से लाया, और वैसे भी अभी रात है, यहाँ रात में ऐसे भी तारे नजर आते हैं। तो वहां से आवाज आई थी, कौन बंटी, मैं बंटी नहीं हूँ, मैं चुड़ैल हूँ, इस घर की चुड़ैल। तभी मैं भी उसे कहने लगा था, अच्छा चुड़ैल हो, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो, मुझे पता है कि यहाँ पर कोई चुड़ैल बुड़ैल नहीं रहता, तुम ही हो, तुम बंटी हो। लेकिन तभी वहाँ दूसरी मंजिल से सीढ़ियों से भागता हुआ आया था बंटी और मुझे कहने लगा था कि यार, मैं कब से तुम्हारा दूसरी मंजिल पर इंतजार कर रहा हूँ कि तुम कब आओगे, लेकिन तुम यहाँ पर किससे बातें किए जा रहे हो। तभी मैं भी कहने लगा, यार तू वहाँ पर है तो ये लाल साड़ी वाली कौन है। उसके बाद बंटी भी उसे देखा और वो भी डर गया था। वो भी कहने लगा था, ये चुड़ैल है, यही भूत है जो यहाँ इस घर में रहती है, भाग यहाँ से, भाग यहाँ से रोहित भाग। लेकिन मैं उसे कहने लगा था, अरे यार ये कोई चुड़ैल नहीं होगी, ये कोई होगी गांव की औरत जो यहाँ पर रहती होगी। तभी वहाँ पर वो हंसने लगी थी। वो बहुत ही अजीब सी आवाज में हंस रही थी और कह रही थी, अच्छा तुम्हें लगता है कि मैं चुड़ैल नहीं हूँ, अब देखो मैं क्या करती हूँ, तुम मेरा जलवा देखो। उसके बाद उसने बंटी को हवा में उठा लिया था। उसने अपना हाथ बहुत ही लंबा कर लिया था और बंटी को गले से पकड़ के हवा में उठाकर रखा था। उसकी वहाँ पे गला घुट रहा था, उसकी आवाज बाहर नहीं निकल रही थी। लेकिन मैं भी उसे कहने लगा था कि तुम बंटी को छोड़ दो, बंटी को क्यों मारे हो, जाने दो मुझे, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे, मुझसे गलती हो गई, मैं कभी भी अब रात के वक्त इस घर में नहीं आऊंगा। लेकिन चुड़ैल हंसते हुए कह रही थी, तुम्हें क्या लगता है तुम दोनों को मैं जाने दूंगी, तुम दोनों की मौत यहीं पे होगी, इसी घर में। लेकिन मैं वहां पर सोचने लगा था कि लड़ाई करने से कुछ नहीं होने वाला, मुझे अपना दिमाग चलाना होगा। मैं उसे कहने लगा था कि लेकिन मरने से पहले, हमें मारने से पहले ये तो बता दो कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ पर ऐसे भूत बनकर क्यों हो, तुम यहाँ पर क्यों रहती हो, तुम्हारी मौत यहाँ पर कैसे हुई। तभी वो मेरी और अजीब सी नजरों से घूरते हुए कहने लगे, अच्छा बचने के लिए अच्छा दिमाग चला रहे हो, चलो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें मारूंगी। देखो अगर मेरी तुम्हें सच्चाई जाननी है तो वहाँ दूसरे मंजिल की छत पर चलो, वहाँ पे हम खुले हवा में बैठकर बातें करेंगे, मैं वहाँ पर तुम्हें बताऊंगी कि मेरी मौत यहाँ पर कैसे हुई और मेरा नाम क्या है। उसके बाद मैं भी कहा, चलो फिर। उसके बाद हम तीनों, वो चुड़ैल, मैं और बंटी, हम तीनों वहाँ उस घर के दूसरी मंजिल की छत पर गए जो कि खुला हुआ था। वहाँ पे चांद की रोशनी साफ साफ आ रही थी, वहाँ पे हवा भी ताजी ताजी चल रही थी। उसके बाद हम तीनों वहाँ पर बैठकर बातें करने लगे।
मैं यहाँ पर भागने का दिमाग लगा रहा था, लेकिन एक बात का डर भी था कि अगर मैं यहाँ से भागूं, अगर हम दोनों यहाँ से भागे तो ये तो चुड़ैल है, ये तो यूं चुटकियों में हमें पकड़ लेगी और ऐसे ही बहुत ही बुरी तरह से मौत देगी। हो सकता अभी कम तड़पा तड़पा कर मारे। वहां पर मैं अब भागने का इरादा बदल दिया था और मैं उसे पूछने लगा था, तो फिर चुड़ैल जी बताइए आपका नाम क्या है। तो उसने बताना शुरू किया था कि मेरा नाम मिचलू चिचलू है। मैं भी उसकी नाम सुनकर हंस पड़ा था। मैं भी उससे कहने लगा था, मिचलू चिचलू ये कैसा नाम है। तो वो कहना शुरू की थी, मैं क्या करूं, मेरे पिताजी मेरा नाम ऐसे अतरंगी रखे तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, लेकिन इसके अलावा एक नाम और भी है मेरा। तो मैं भी उसे कहने लगा, तो बताओ क्या नाम है दूसरा नाम तुम्हारा। तो वो बताना शुरू की थी, बस्ती का हस्ती, मेरा दूसरा नाम है बस्ती का हस्ती। तो मैं उसे पूछने लगा था, बस्ती का हस्ती अब ये नाम तुम्हारा कैसे पड़ा। तो वो भूतनी कहने लगी थी, देखो इसके लिए मैं तुम्हें अपने जीवन के बारे में बताना होगा, मैं शुरू से ही तुम्हें बताती हूँ। मैं यहाँ पास के एक गांव में रहती थी, वहाँ पे एक बस्ती था और मैं उसी बस्ती की रहने वाली थी। जब तक मेरी उम्र 12 साल की थी तब तक तो मेरा नाम उस बस्ती में मिचलू चिचलू ही था, लेकिन जैसे ही मेरी उम्र बढ़ती गई और मैं भी वैसे वैसे अतरंगी काम करना शुरू कर दी थी। मैं भी मोबाइल में इंस्टाग्राम देखा करती थी और मुझे भी अब रील्स बनाने का भूत सवार हो गया था। मेरा शकल बहुत ही कुरूप था, इस वजह से वहाँ उस बस्ती में मेरे ऊपर सब हंसा करते थे, लेकिन तब भी मेरा नाम बस्ती का हस्ती नहीं पड़ा था। लेकिन जब मैं वहाँ पे रील्स बनाना शुरू कर दी थी, वहाँ पे गांव-गांव की गलियों में, उस बस्ती के गलियों में मैं रील्स बनाती, तभी वहाँ के लोग मुझे ऐसे काम करते हुए देखते और वो हम पर हंसा करते, और फिर ऐसे ही लोगों के हंसते हंसते मेरा नाम पड़ गया था बस्ती का हस्ती, और सब लोग मुझे बस्ती का हस्ती कहकर ही पुकारा करते, और मैं भी खुश थी क्योंकि मिचलू चिचलू से तो अच्छा बस्ती का हस्ती नाम ही था। मैं भी वहाँ पर उन लोगों से कुछ नहीं कहा करती। लेकिन इसी तरह एक दिन की बात है, मेरे घर के पड़ोस में ही एक लड़की रहा करती थी। उसकी उम्र अभी 12 साल थी और उसे भी इंस्टाग्राम पे रील्स बनाने का बहुत ही भूत सवार था। वो भी मेरे साथ ही रहती और रील्स बनाया करती। लेकिन एक दिन वो मुझसे कहने लगी थी कि चलो हम दोनों वहाँ उस पहाड़ी पर चलते हैं, वहाँ पे वो जो घर बना हुआ है ना, हम वहाँ पे बनाएंगे रील्स, उन पहाड़ियों पर रील्स बनाएंगे और वहाँ का लोकेशन में हम लोग रील्स बनाएंगे तो बहुत ही वीडियो वायरल होगी, हमें बहुत ज़्यादा लाइक मिलेगी। वहाँ पे वो ऐसा कह रही थी और मैं भी उनकी बातों को मानकर यहाँ पे आ गई थी। यहाँ पर पहले तो हमने एक दो रील्स बनाए थे इन पहाड़ियों पर, यहाँ के लोकेशन पर हमने एक दो रील बनाए, और फिर उसके बाद हम दोनों यहाँ इसी घर के छत पर आ गए थे जहाँ पे हम तीनों भी बैठे हुए हैं। यहीं पर आकर हम अब रील बनाना चाहते थे। मैं उस छोटी बच्ची से कहने लगी थी जो कि 12 साल की थी, मैं उससे कहने लगी थी कि तुम मेरा वीडियो बनाओ, तुम मेरा वीडियो रिकॉर्डिंग करो और मैं यहाँ पर डांस करती हूँ, इसके बाद रील बन जाएगी। लेकिन वो भी मेरे साथ ही डांस करना चाहती थी। वो भी कहने लगी थी, हम दोनों साथ में डांस करते हैं ना, इससे हमें ज़्यादा लाइक मिलेगी। उसके बाद मैं भी दिमाग चलाए, यहाँ पे हमने ईंटों में मोबाइल को फंसा दिया और सामने कैमरा करके हम दोनों यहाँ पर रील्स बनाने लगे थे। हम यहाँ पर डांस कर रहे थे और हम ऐसे ही नाचते नाचते इस छत के किनारे तक पहुँचाए थे। हालांकि मुझे तो ध्यान था कि हम छत के किनारे तक आ गए हैं, लेकिन वो बच्ची वो नाचने में इतना ज़्यादा व्यस्त थी कि उसे पता ही नहीं चला कि हम किनारे तक आ गए हैं। लेकिन उसका पैर फिसलने वाला था और वो नीचे गिरने वाली थी, लेकिन मैंने उसे धक्का दिया और उसे बचाने के चक्कर में मेरा पैर फिसल गया और मैं यहाँ छत से नीचे गिरकर मेरी मौत हो गई थी। इसी तरह से मेरी मौत हुई थी, पर मैं उस बच्ची को बचा लिया था। इस तरह से मेरी मौत हो गई और तब से मैं इसी घर में रहती हूँ, मेरी आत्मा यहाँ पर रहती है। तब मैं भी उसे कहने लगा था, अच्छा तो इस तरह से तुम्हारी मौत हुई थी। लेकिन मैं इतना बोल ही रहा था और वो चुड़ैल, वो औरत, वो लड़की जो भी थी, जिसकी भी वो आत्मा थी, वहाँ पर उठकर खड़ी हो गई थी और वह मुझसे कहने लगी थी, तुम मेरी कहानियाँ सुन चुके हो और अब मैं तुम दोनों को मौत की घाट उतारने वाली हूँ। बोलो मैं भी तुम्हें यहाँ से धक्का दे दूँ इसी छत के ऊपर से, तुम दोनों यहाँ से गिरकर ऐसे ही मर जाओगे। लेकिन मैं उसे कहने लगा था, अरे छोड़ दो, मुझे क्यों मारना चाहती हो,
मैं वहां पर उससे बचने के लिए दिमाग चलाने लगा था। मैं उसे कहने लगा था, देखो तुम हम दोनों को मार दोगी तो इससे तुम्हें कुछ फायदा होने वाला नहीं है, लेकिन अगर हम दोनों चाहें तो अभी भी तुम्हें फेमस करवा सकते हैं, अभी भी तुम्हारी रील बना सकते हैं। इसीलिए तो भगवान ने हम दोनों को तुम्हारे पास भेजा है, तुम्हारे मरने के बाद भी, कि मैं तुम्हारा रील बना पाऊँ, मैं तुम्हारी रील बना पाऊँ। लेकिन तभी वहाँ पर वो जो चुड़ैल थी वो हंसते हुए कहने लगी थी, अच्छा मैं जब जिंदा थी, जब मैं रील बनाया करती थी, तब तो मैं फेमस हो ही नहीं पाई, तब मैं वायरल हो ही नहीं पाई, लेकिन मरने के बाद मैं वायरल हो जाऊंगी। तभी मैं कहने लगा था, हाँ मरने के बाद देखो तुम्हारा ये चेहरा कितना सुंदर हो गया है। तुम बता रही थी ना कि तुम पहले क्रूप थी, लेकिन अभी देखो तुम्हारा ये चेहरा, तुम्हारे ये घुंघराले घुंघराले जटिले दार बाल, जिसमें लगता है कई दिनों से शैम्पू तक नहीं हुआ है। बताओ भला पूरा इंस्टाग्राम पे ऐसा किसी का बाल होगा? और तुम्हारा ये फिगर क्या ही रापचिक लग रही है। तो फिर से वो गुस्सा करते हुए कहने लगे, तो मैं भी से कहने लगा था, अरे माफ कर दो, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। देखो तुम्हारा ये फिगर कितना मस्त लग रही हो, अगर तुम इस गेटअप में रील्स बनाओगी तो यकीनन ही बहुत ही वायरल होगी। तुम ही बताओ पूरे इंस्टाग्राम पर भला तुम्हारे जैसा कोई होगा? इसी वजह से लोग तुम्हें देखना पसंद करेंगे। आओ मैं तुम्हारा रील्स बनाता हूँ, मैं तुम्हारा रील्स बनाकर वीडियो को अपलोड करूंगा अपने इंस्टाग्राम पर, फिर धीरे धीरे करके तुम वायरल हो जाओगी। तो वो भूतनी भी कहने लगी थी, क्या सच में मैं वायरल हो सकती हूँ? तो मैं भी कह रहा था, और क्या, मैं मजाक कर रहा हूँ। उसके बाद वहाँ पे वो भूतनी आ गई थी, वहाँ पे चांद की रोशनी में छत पर खड़ा होकर कहने लगी थी, मैं डांस करती हूँ, तुम वीडियो बनाओ। तो मैं भी कहने लगा था, रुको रुको पहले फ्लैश लाइट जलाने दो। उसके बाद मैंने वहाँ पर फ्लैश लाइट जला ली और फिर वहाँ पे वो भूतनी अब नाचना शुरू हो गई थी, लेकिन मेरे मोबाइल के कैमरे में उसका चेहरा तो रिकॉर्ड हो ही नहीं रहा था, उसका शरीर आ ही नहीं रहा था, वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था उस कैमरे में। उसके बाद मैं भी डरा हुआ था कि अगर ये बात इसको पता चली तो यकीनन ही अब की बार ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली, हम दोनों को यहीं पर मार देगी। बंटी भी वहाँ पर सहमा वहाँ पे नीचे बैठा हुआ था और मैं वहाँ पे रील्स बनाए जा रहा था। फिर कुछ देर के बाद मैं उस भूतनी को रोकते हुए कहने लगा था कि हो गया, रील्स बन चुका है और अब कल देखना तुम बहुत ज़्यादा फेमस होने वाली हो। मैं यहाँ पर कल न्यूज़पेपर लेकर आऊँगा तुम्हारे लिए और उसमें मैं दिखाऊँगा कि तुम कितना ज़्यादा फेमस रहोगी। तो वहाँ पर वो भूतनी भी कह रही थी, दिखाओ तो वो वीडियो दिखाओ, कैसा बना है, मैं कैसी डांस कर रही हूँ। लेकिन मैं उसे कहने लगा था, अगर पहले ही वीडियो देख लोगे तो वायरल होने के बाद वीडियो देखने में तुम्हें मज़ा ही नहीं आएगा, तुम्हें अच्छा ही नहीं लगेगा, इसलिए कल ही देखना कि कितना ज़्यादा लाइक तुम्हें मिल चुका होगा, तुम भी बहुत खुश होने वाली हो कल। उसके बाद मैं उसे कहने लगा था, तो फिर मैं चलूँ, अपने घर चलता हूँ, कल आऊँगा, कल शाम के वक्त आऊँगा हम दोनों फिर से। तो फिर वो कहने लगी थी, अच्छा ठीक है जाओ, लेकिन कल जरूर आना, अगर नहीं आए तो फिर तुम देख लेना कि क्या होगा तुम्हारे साथ, क्योंकि कभी ना कभी तो तुम दोबारा यहाँ पर आओगे ही, और तब मैं तुम दोनों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, मैं बता रही हूँ। वो भूतनी वहाँ पर ऐसा कह रही थी और मैं भी उसे कहने लगा था, हाँ चुड़ैल जी आऊँगा ना, कैसी बातें कर रहे हो, हमें मरना थोड़ी ना है। उसके बाद हम दोनों वहाँ उस छत से नीचे उतरे और फिर उस पहाड़ी के रास्ते चलते हुए अपने गांव की ओर जाने लगे। मैं वहाँ पर भागना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर जो भागता तो उसे पता चल जाता कि हम उनसे चीटिंग कर रहे हैं, इसलिए वो हमें पकड़ कर मार सकती थी। इस वजह से चलते हुए ही हम उन रास्तों से अपने घर पहुँचे। वहाँ पहुँच कर हमें थोड़ी जान में जान आई थी। उसके बाद मैं बंटी से कहने लगा था कि यार आज तो बहुत ही मुश्किल से बचे, सच में वहाँ उस घर में भूत रहती है। लेकिन बंटी भी वहाँ पर कहने लगा था कि हाँ मरते मरते तो बचे, लेकिन अगर तुम मेरी बात पहले ही मान लिया होता तो शायद ये नौबत ही नहीं आती। वहाँ पे बंटी ने गुस्सा करते हुए उस अस्टिक को जमीन पर पटक दिया था और उस अस्टिक को तोड़ दिया था। वो कहने लगा था, भाग ऐसी काम हमें नहीं करना जहाँ पे भूतों का खतरा हो, इससे अच्छा तो हम किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर लेंगे, हमें जो भी सैलरी मिलेगा हम उसी में खुश रहेंगे, कम से कम ऐसे भूतों से तो पाला नहीं पड़ेगा। उस दिन के बाद हम दोनों वहाँ पास के शहर में एक प्राइवेट कंपनी में जॉब पकड़ लिया और तब से यहीं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ। तो दोस्तों आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर चलिए मिलते हैं फिर आपसे ऐसे ही किसी अतरंगी
और मजेदार कहानियों के साथ।